जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इस डी को निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को। यहाँ पर वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के पास क्या होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो आता है तो हम कहेंगे टू इक्वल रियल रूट, दो रूट आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके पास टू रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे 4.4, उसमें जो है फर्स्ट टू क्वेश्चंस में रूट के बारे में जो है पूछ रखा है। तो अब हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट बताने हैं, उसका नेचर बताना है उसका, कि वो रियल होंगे, इक्वल होंगे, दोनों अलग होंगे या फिर रियल रूट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये जो है क्वेश्चन ये यहाँ पे प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब ये इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है टू, बी की वैल्यू है माइनस थ्री और सी की वैल्यू क्या है फाइव। अब हम निकालेंगे डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री। अगर हम माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस नाइन, माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है टू, सी की वैल्यू है फाइव, तो ये आएगा हमारे पास नाइन माइनस ये आ जाएगा फोर्टीन, तो ये आएगा माइनस थर्टी वन। माइनस थर्टी वन क्या है नेगेटिव वैल्यू, लेस देन जीरो, तो क्या कहेंगे दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट।